रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अगर कोई ताकतवर माना जाता था तो वो थे येवगेनी प्रिगोजिन, जिसकी प्राइवेट आर्मी के बल पर रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से तबाह कर दिया था। यहां तक कि रूस की प्राइवेट आर्मी सीरिया और पश्चिमी देशों में भी रूस के लिए काम करती थी और ये सारा कामकाज वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन संभालते थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रिगोजिन पुतिन के इतने करीब कैसे आ गए और वो देखते ही देखते रूस में सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों में कैसे गिने जाने लगे। तो आपको बता दें कि येवगेनी प्रिगोजिन का जन्म रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में साल 1962 में हुआ था। प्रिगोजिन 20 साल की उम्र में ही मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी जैसे अपराध करने लगे थे और साल 1981 में प्रिगोजिन को 12 साल की सजा भी हुई थी, लेकिन उन्हें 9 साल में ही रिहा कर दिया गया था। और जेल से रिहा होने के बाद प्रिगोजिन रूस की सड़कों पर एक स्टॉल लगाकर हॉट डॉग बेचने लगे थे। उनका हॉट डॉग इतना फेमस हो गया कि रूस की कई जानी मानी हस्तियां उनके ठेले पर आने लगी थी। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया था और देखते ही देखते इस रेस्टोरेंट के बाहर रूस के रईस लोगों की लंबी कतारें दिखने लगी। प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वो अपने दोस्तों और मेहमानों के साथ प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट में आने लगे और यहीं से प्रिगोजिन पुतिन के काफी करीब आ गए। और इसके बाद प्रिगोजिन का पुतिन पर इस कदर प्रभाव हो गया था कि प्रिगोजिन को रूस के सरकारी ठेके और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे, जिससे उन्होंने बेशुमार दौलत कमाई। यही नहीं, प्रिगोजिन पूरे रूस में पुतिन के रसोइये के नाम से मशहूर हो गए। और इसके बाद प्रिगोजिन ने अपना हाथ मीडिया और इंटरनेट ट्रोल फैक्ट्री में अजमाया। लेकिन जनवरी 2014 में प्रिगोजिन ने रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप की स्थापना, नेतृत्व और फंडिंग को स्वीकार कर लिया था। प्रिगोजिन ने कबूल किया था कि वैगनर ग्रुप को खड़ा करने में उन्हीं का हाथ है। और इसी साल अप्रैल 2014 में रूस ने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के साथ मिलकर क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया था। आपको बता दें कि प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी का नाम उनके पहले कमांडर दिमित्री उत्किन के निकनेम यानी वैगनर के नाम पर रखा गया था, जो रूसी सेना से लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुआ था। और वैगनर ग्रुप के गठन के बाद से ही ये अपनी क्रूरता और बर्बरता के नाम से जाना जाने लगा। प्रिगोजिन ने एक बार कैमरे के सामने दावा किया था कि उनकी प्राइवेट आर्मी में 50,000 लड़ाके हैं, जिनमें से 35,000 हर वक्त जंग के मैदान में तैनात रहते हैं और 15,000 सैनिकों को रिजर्व में रखा जाता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि वैगनर ग्रुप में अधिकतर भाड़े के लड़ाकों की भर्ती की जाती है और प्रिगोजिन रूस की जेलों में घूम घूम कर ऐसे कैदियों की भर्ती किया करते थे जो बेहद ही खूंखार थे। प्रिगोजिन इन कैदियों को जेल से रिहाई का ऑफर देते थे और कहते थे कि अगर वो फ्रंट लाइन पर 6 महीने तक तैनात रहते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि वैगनर ग्रुप सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो लीबिया, सीरिया, माली और कई केंद्रीय अफ्रीकी देशों में कई खुफिया मिशन को अंजाम देता था। ऐसा दावा किया जाता है कि अफ्रीकी देशों में मोटी कमाई वाले माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को हासिल करने के लिए प्रिगोजिन ने अपने वैगनर लड़ाकों का इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि जनवरी 2023 में अमेरिका की स्टेट सेक्रेटरी विक्टोरिया नूलन ने कहा था कि वैगनर ग्रुप अफ्रीका में गोल्ड और दूसरे संसाधनों की खानों का इस्तेमाल करके यूक्रेन में अपने ऑपरेशन की फंडिंग कर रहा है।